बहुत ही मजा आ रहा है सामने एकदम बिल्कुल क्लियर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अश्विन यादव व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफी मजेदार, क्योंकि आज जो है काफी एक्साइटिंग चीजें होने वाली है। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफी मजेदार, क्योंकि आज बहुत बड़ी चीज हम लोग जो है खरीदने वाले हैं, मतलब कि जो मामा के साथ मैं जाने वाला हूँ अहमदाबाद, उसके लिए जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा काफी महंगी चीजें। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी मेरी आज की डेट आ गई है भोपाल के लिए, पासपोर्ट ऑफिस जाने वाला हूँ। तुम्हारा भाई जाने वाला है थाईलैंड, तो मतलब खुशी देख रहे हो चेहरे पे, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो थाईलैंड जाने वाला हूँ मैं, और उसके लिए अभी जा रहा हूँ मैं पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो अगर मेरा पासपोर्ट बन गया तो ही मैं जा पाऊँगा, और नहीं बन पाया तो फिर आज मैं अकेला ड्राइव करने वाला हूँ 400 किलोमीटर। मतलब मैं अभी यहाँ पे पुनासा में, तो पुनासा से जाऊँगा पहले भोपाल यहाँ से 200 से फिर इंदौर, मतलब कि यहाँ से भोपाल से इंदौर, मतलब 400 किलोमीटर अकेले ड्राइव करने वाला हूँ। क्योंकि प्रिंस जा नहीं रहा है तो मुझे अकेले ड्राइव करना पड़ेगी, तो भाई लग जाएंगे। और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ अहमदाबाद भाई। मम्मी जो है अपना काम करते हुए, मम्मी क्या काम कर रहे हो? कपड़े जमा रहे। तो मम्मी मेरे कपड़े जमा रहे हैं, और फिर अभी मैं निकलने वाला हूँ भोपाल के लिए अकेले। मम्मी मेरे से फिर से नाराज है। मम्मी मैं जा रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है क्या? हाँ। कि जरा नहीं बुरा लग रहा है? लग रहा बुरा? अब तो 8 दिन रह लिया, मैं तब भी बुरा लग रहा तुमको। चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ। क्या तुम क्या बोल रहे थे, लड़की वड़की क्या बोल रहे थे अभी? बर्थडे कहाँ मनाएगा? बर्थडे यही मनाएंगे ना, अपने घर ही मनाएंगे। हाँ ठीक है, कि वहाँ मनाऊ? अभी तुमने क्या बोला, लड़की क्या बोल रहे थे? कि लड़की उनके साथ मनाएगा। कहाँ? इंदौर में। तुमको पता है ना मेरे पास कोई लड़की नहीं है, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं कुछ होगी तो सही, झूठ बोल रहा है। गाय जिंदगी में पहली बार मैं पता नहीं इस रोड से जा रहा हूँ, और भोपाल रोड देख लो एक बार, सिंगल पट्टी रोड है ये। पहली बार जा रहा हूँ इस रोड से जीवन में भी भोपाल, बता रहे कौन सा रोड है ये, बोलो भाई ये सिंगल पट्टी होगा। अभी उधर से गाड़ी आ गई, तो गाइस ये इतनी शानदार लोकेशन है, मैं पहली बार आया हूँ उधर, कोलार डैम है। भोपाल कहाँ है, यहाँ से दिख रहा है कि भोपाल? भोपाल ये आगे पहाड़ी पे पूरे बसा हुआ है। तो गाइस आज इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है मैंने कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं मतलब 3 घंटे में भोपाल आया हूँ 200 किलोमीटर अपने गांव से पुनासा से, क्योंकि मैं लेट हो गया था। 3:15 की मेरी यहाँ पे मीटिंग थी, मतलब मीटिंग नहीं क्या बोलते उसको, इंटरव्यू था, क्योंकि पासपोर्ट बनना था तुम्हारा भाई जो थाईलैंड जो जा रहा है। तो 3 घंटे मतलब अभी गया, 2-3 घंटे हो गए, अभी 4:30-5 बज गई है, और मैंने रात की सांस ली है। 200 किलोमीटर अकेला ड्राइव करके आया हूँ। अभी 200 किलोमीटर जाना है इंदौर, क्योंकि कहाँ जाना है हमको, अहमदाबाद, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा हम क्या लेने जा रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सर एकदम भारी हो रहा है, बहुत भयंकर सर दुख रहा है मेरा, लेकिन फिर भी चलाना तो पड़ेगी। मामा जो है मेरे अभी इंदौर में है, तो मैं उनके पास जा रहा हूँ, और वहाँ से हम लोग जाएंगे अहमदाबाद। तो अकेला हूँ मैं अभी, देखो बाप रे बाप, पहली बार अकेला मैं आया हूँ किसी शहर में, और पहली बार इतनी अकेले ने ड्राइव की है, मतलब ऐसे कोई साथ में था तो ड्राइव किए पहले, लेकिन अकेले इतनी दूर चला के कभी नहीं लाया हूँ। तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया मैंने, तो आज तो जूस वूस पीना पड़ेगा, तो दिमाग को करेंगे एकदम शांत और पियेंगे नारियल पानी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी इंदौर, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी बस का, क्योंकि हम बस से जाने वाले हैं अहमदाबाद। हमारी बस लेट हो चुकी है 30 मिनट, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि 400 किलोमीटर अकेले मैंने गाड़ी चलाई है। तो थोड़ी देर बाद आने वाली है हमारे बस, तो अपने मामा जी है साथ में, वेट कर रहे हैं। हाँ इंतज़ार कर रहा है गाड़ी को। तो ये आ चुकी है अपनी बस जिसमें हम बैठने वाले हैं, और ये रख दी हमने चप्पल और हमारे कपड़े। चलो अहमदाबाद 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 अहमदाबाद। तो ये गुजरात की धरती पे पहली बार मैं आया हूँ, तो काफ़ी सही नज़ारे हैं भाई यहाँ के, तो सब जगह गुजराती में लिखा हुआ है। हाँ गुजरात में तो गुजराती में लिखा ही होगा ना, ये तो सही बात है, सही बात है। ये साला कोई कांड करके गया और सबूत भी यहीं छोड़ के गया बस वालों के लिए, समझ गए ना क्या किया है किसी ने। फोटो ले रिक्शा, बाद में
तो फाइनल गाइस हम लोग सुबह सुबह आ चुके थे अहमदाबाद, मतलब 6-7 बजे। उसके बाद हम रेडी वेडी होके बढ़िया फर्स्ट क्लास अभी अपनी गाड़ी में बैठे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जो टंकी है देख लो पीछे अच्छे तरीके से रेडी नहीं हुई है, तो वो रेडी हो रही है, मतलब इसमें कुछ करना बाकी है। तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर, और अभी मैं बैठा हूँ फिलहाल अपनी मामा की गाड़ी में। गाड़ी का आपको एक बार दिखाता हूँ व्यू कितना सही है एकदम नई गाड़ी का। देखो ये है सिस्टम, ये कुछ नहीं आता, एकदम खाली खाली आता। ये सब बाहर की चीज़ें जो बाहर से करवाना पड़ती है, ऐसी हो गया। गुजरात में पहली बार आया हूँ, तो गुजरात आने पे मुझे एक नई बात पता चली है कि यहाँ पे जो जितनी भी बसें आती बॉर्डर से उनकी चेकिंग होती है, मतलब कि बैग वैग सारा एक एक चीज़ चेक करते हैं अंदर हाथ घुसा घुसा के, मतलब लेडीज़ तक के बैग चेक करते हैं इन लोग। अब वो पता नहीं किस लिए चेक कर रहे थे, शायद यहाँ पे शराब बैन है, शराब के चक्कर में पता नहीं कुछ चेक कर रहे थे, तो पूरी बस की चेकिंग ली है पुलिस वालों ने। तो ये बात मुझे अनोखी लगी, क्योंकि मैं पहले भी स्टेट पार कर चुका हूँ, मतलब लखनऊ वगैरह जाता था यूपी, तो इतना सीन नहीं होता था बॉर्डर पे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी सारी चेकिंग हुई कल रात में, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। बाकी कोई नहीं, होते अपने अपने स्टेट के रूल अलग अलग। मैं ट्रक में जो है पहली बार बैठा हूँ, तो मुझे एक अजीब चीज़ लगी कि इसका जो बोनट है वो थोड़ा मतलब नीचे की ओर है, मतलब नीचे ऐसा लग रहा है कि नीचे जा रहा है। अब वो पता नहीं किस चीज़ की वजह से, और मैं इतने से सोचता था कि यार ये वाला जो कांच है वो किस काम में आता है, तो मुझे आज समझ में आ गया ये वाला कांच जो है वो नीचे देखने के लिए होता है, इसमें नीचे का पूरा दिख रहा है। और इधर देख सकते हो आप, इसमें पीछे का दिख रहा है और इसमें पीछे का दिख रहा है, तो काफ़ी सही चीज़ है भाई टेक्नोलॉजी, और उसमें भी नीचे का दिखता है। ये गुजरात में हमारा स्वागत करा है भैया ने। हाँ, ये यहाँ पे मिलता है भाई यहाँ की डिश, यहाँ पे सारी टंकियाँ बनती है। हम लोग जो टंकी बनवा रहे हैं वो बनवा रहे हैं राख के लिए। राख आप सोच रहे होंगे कौन सी, तो जो कोयले से निकलती है राख, बिजली में यूज़ होती है पावर प्लांट में, तो उसी की जो राख बनती है उसको सप्लाई करते हैं सीमेंट फैक्ट्री में, तो उससे सीमेंट बनती है, उसी को सप्लाई चेन के लिए टंकियाँ बनवाते हैं। तो पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है और अभी वो हो रही है रेडी, मतलब कि अभी उसकी टंकी तैयार हो रही है। अपनी गाड़ी बनने में थोड़ा सा टाइम है, इसलिए हम थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे, ज़्यादा नहीं घूमेंगे, ठीक है। ये सामने ये गाड़ी देखो, इसमें कोई बचा होगा कि नहीं क्या पता, पूरी अंदर तक पिचक गई है। देखो ये मक्का कितना बड़ा है, मक्का बहुत बड़ा है, नहीं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मक्का दिया है इन आज चाय पीने के लिए। तो फाइनल गाइस हमारी टंकी और गाड़ी रेडी हो चुकी है, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से बहुत जल्द। देखो मैं कितनी ऊपर खड़ा हूँ, ये रही अपनी गाड़ी और ये राम है। ये भैया है हमारी गाड़ी के ड्राइवर। तो भैया अहमदाबाद आप अपने इंदौर कितने में पहुँच जाएंगे अपन? रात के दो बजे। कब निकलेंगे? तो 10 बजे निकलेंगे। कितने घंटे में पहुँचेंगे? मतलब ऐसे पहुँचेंगे 7 घंटे में। कितने साल से गाड़ी चला रहे हो तुम? 2006 से चला रहा हूँ। 2006 से बल्कर ही चला रहे हो कि बस से चलाते थे? पहले बाड़ी गाड़ी चलाई, कच्चे माल की चलाई, सब गाड़ी चलाई ऐसा। मज़ा आता चलाने में? अरे मज़ा तो आता है ना, आता है। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मेरा बैग हो चुका है तैयार, मामा इन लोग आ रहे हैं, और गाड़ी भी हो चुकी है पूरी तैयार, ये देखो पीछे। और अब हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि रास्ते में डाकू वाकू मारते हैं, चोर और पत्थर फेंकते हैं, ऐसा भी सुनने में आया, इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं थोड़ा। चले चलो भैया। ये हो गया 15,000 का डीजल। गाइस ये हो चुके हैं 12 टायर पूरे, और ये 12 टायर इसमें डालेंगे, पहले से 12 डले हुए थे, टोटल इसमें 22 टायर डलते हैं, तो अभी 12 टायर और डलेंगे। अभी हमने यहाँ से लिए हैं टायर। ये अपने मामा का लड़का है सौरभ, हैंडसम बॉय ये। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सेल्दा, तो फिलहाल तो यही थी हमारी जर्नी,
बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि सामने जो सीट देख रहे हो आप, इस सीट पे मैं सो के आया हूँ, समझे, मतलब हम 5 जन थे टोटल गाड़ी में, तो इस सीट पे मैं सो के आया हूँ। अब इस सीट पे कोई कैसे सो सकता है वो आप खुद ही इमेजिन कर लो। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा सफ़र रहा मेरा अहमदाबाद से लेके अपने बेड़िया तक का। बाकी कोई बात नहीं, ये मामा घर में आते थे, इन्होंने क्या स्वागत किया, देखो ट्रक की सीट को घर की सीट बना दिया। इनका भी लो, चंगो अंकल लेना बहुत ही मजा आ रहा है। आज पहली बार ट्रक चलाने का अनुभव प्राप्त हुआ है भाई साहब के, राहुल भैया की ओर से और सौरभ भैया की ओर से। बहुत ही मजा आ रहा है, सामने एकदम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है पूरा बोनट, एकदम बढ़िया। और इसमें गियर देख लो आप, इसमें कितने गियर है, 8 10 गियर, यहाँ पे कितने गियर से कम, 10 गियर, 10 गियर है टोटल। अभी अपनी गाड़ी चल रही 6वें गियर में, बढ़िया सिस्टम है भाई, मजा आ रहा है एकदम। हवा इस चीज है, पूरा सिस्टम मिल जाता है। सो फाइनल गाइस, अपनी गाड़ी की डिलीवरी हो चुकी है कंप्लीट, गाड़ी का शुभारंभ कर दिया है आज, गुड़ी पड़वा है और हिंदू नवर्स भी है आज, तो कर दिया शुभारंभ आज। और 3 से 4 बार भाई पर्दे को ऊपर नीचे करना पड़ा इस कांच की वजह से, ये जो कांच देख रहे हो आप, इस कांच की वजह से 3 से 4 बार ऊपर नीचे करना पड़ा, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, मामा नाराज़ भी हो गए थे थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं, कर ली है ओपनिंग अभी। और इसी के साथ अपना व्लॉग होता है ख़त्म, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऐसे ही बने रहो अपने साथ, सपोर्ट करते रहो। सामने का व्लॉग आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, सामने पूरी गिट्टी पड़ी है, देखो ये रहा पावर प्लांट, वो पूरी गिट्टी है वहाँ पे। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही बने रहो मेरे साथ, शुक्रिया, लव यू ऑल। हाँ